सो हेलो गाइस, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि कैसे आप अपना जो 400 मीटर का आपका इवेंट है उसका टाइम आप कैसे कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना दोस्तों, आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि कैसे आप अपना 400 मीटर का जो टाइम है, जो आपका बिल्कुल करेक्ट टाइम है, वो आप कैसे यहाँ पर कैलकुलेट कर सकते हो। दोस्तों हाउ टू कैलकुलेट योर 400 मीटर टाइम। सो गाइस, जो सबसे पहले आप मैं दोस्तों इसके लिए आप मतलब एक आप कह सकते हो मतलब एक तरह से एक फॉर्मूला है आपको, जो आपका मतलब 200 मीटर का रिकॉर्ड है दोस्तों, जो मतलब जो आपका 200 मीटर का यहाँ पे बेस्ट है जो भी है आपका, वो आपको एक बार देख लेना है। जैसे कि इसका फे PR इंटू 2+4 सेकेंड, मतलब जो आपका 200 मीटर का पर्सनल रिकॉर्ड है उसको दो बार मल्टीप्लाई करना है, उसमें 4 सेकेंड यहाँ पे प्लस कर देना है। गाइस अगर हम एग्जांपल ले तो मान ले आपका जो 200 मीटर का टाइम है गाइस वो है 24 सेकेंड। तो गाइस कैसे मतलब आप इससे अपना 400 मीटर का जो टाइम है वो कैलकुलेट कर सकते हो। तो गाइस आपको मतलब ये आपका पर्सनल जो रिकॉर्ड है वो 200 मीटर का है 24 सेकेंड। तो गाइस आपको जो आपको मतलब 24 सेकेंड को आपको दो बार मल्टीप्लाई कर देना है, और इसमें आपको जो 4 सेकंड है आपको प्लस करने होगा। जो भी इसका आंसर आएगा गाइज वो इसका आपका जो 400 मीटर है उसका बेस्ट होगा। गाइज अगर आपका टाइम यहाँ पे 28 सेकंड है 200 मीटर का, तो आप यहाँ पे 28 × 2+4 सेकंड आपका 400 मीटर का टाइम आ जाएगा। और गाइज अगर आपका टाइम यहाँ पे 52 सेकंड, सॉरी अगर यहाँ पे आपका टाइम 30 सेकंड है 200 मीटर का पर्सनल बेस्ट, तो आप यहाँ पे 30 × 2+4 सेकंड आपका टाइम आ जाएगा गाइज। और इस तरह से आप यहाँ पे अपना टाइम जो 400 मीटर का वो कैलकुलेट कर सकते हो।